जय माता दी। दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्तों, कल का जो रिजल्ट रहा था, दिल्ली बाजार 55 के साथ खेल शुरू करके गया, फरीदाबाद में 54 खुला, गाजियाबाद में 53 खुला, कली ने 76 खोला है और देशावर में आज सुबह 92 देखने को मिला है। मैंने जो आपको अंक गणित बताया था वो पूरी तरीके से फेल रहा है, क्योंकि पंजा हमारे पास नहीं था, जिस कारण आपने पंजा 3 बार देखा है, तो हमारा गेम फेल रहा। हमारे पास दुग्गी नहीं थी, 92 फेल रही। हमारे पास सत्ता नहीं था, 76 फेल रहा है। तो कल ज़्यादा खास दिन रहा नहीं। पिछले एक महीने में कोई भी ऐसा दिन नहीं रहा था जब आपको पासिंग ना मिली हो, और जो कल हुआ है वो रिकॉर्ड टूटा है। और रिकॉर्ड टूटते हैं बनने के लिए, रिकॉर्ड टूटते हैं हमें चीज़ों को समझाने और सिखाने के लिए। मैं आपसे अपने मन की एक बात कहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आज आप दिल खोल के कमेंट करें। मैं चाहता हूँ कि आज आप कमेंट करें अपनी बेस्ट 2 लोकेशन के लिए। आप मुझे बता दें कि आपको किस लोकेशन में मेरी गेम ज़्यादा फ़ायदा दिला सकती है, किस लोकेशन में आपको लगता है कि भाई बाबा जी का अंकगणित बेहतरीन तरीके से काम करता है, ज़्यादा पास होता है। कई लोग कहते हैं कि आप दिल्ली बाज़ार में टॉप क्लास गैसिंग करते हो, कई लोग बोलते हैं कि आप दिशावर में बेहतरीन गैसिंग करते हो, आपके अंक बहुत पास होते हैं, कई लोग बोलते हैं गली में आपकी बहुत बढ़िया पासिंग निकल कर आती है, कईयों का मानना है आपकी गाजियाबाद अच्छी चलती है, कईयों का मानना है फरीदाबाद अच्छी चलती है। तो आपका क्या विचार है? जो कमेंट्स ज़्यादा आएंगे, हम उस पर ज़्यादा विचार करते हुए उस लोकेशन पे जोर मार के, जैसे मैं अभी सभी लोकेशन में 2-2 जोड़ियाँ देता हूँ, तो मैं जैसे मान के चलो आपने कहा दिल्ली बाज़ार पे हमें गेम पास करा के दिलाओ, ज़्यादा से ज़्यादा पासिंग दिलाओ, तो दिल्ली बाज़ार में हम चाहे फिर 5 जोड़ियाँ निकालें, लेकिन 5 जोड़ियों में गेम पास होने वाला बिल्कुल सर टक्कर मारने वाला काम निकालूंगा कि भैया 55 के ऊपर क्या कुछ बेहतरीन जोड़ी हो सकती है, 5 जोड़ियों में कौन सी जोड़ियाँ बढ़िया हो जाएंगी। तो 5-6 जोड़ियों में आपको गेम पास होते देखने को मिले तो इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। अगर आप बोलोगे दिशावर में हमारे लिए मेहनत कर दो, तो दिशावर में जो भी बढ़िया रहेगा उस पर मेहनत कर दूंगा। इसके बाद जैसे रिजल्ट देखता चलता हूं, फिर टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा कि भैया टेलीग्राम पर दिशावर में ये अपडेट बन रहा है, 2-3 जोड़ियां ये जोड़ के चलना। अगर आप कहोगे गाजियाबाद बढ़िया बना दो हमारे लिए, तो गाजियाबाद में बढ़िया मेहनत कर दूंगा। जहां पर आपको लगेगा कि आप गेम खेलते हो, इस्तेमाल करते हो, मैं वहां पर पूरे जोर शोर से बेहतरीन तरीके से काम करने की कोशिश करूंगा। आप बस बेस्ट 2 लोकेशन के लिए कमेंट जरूर करें। वीडियो अगर लाइक नहीं करते हो तो भैया वीडियो को लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, वीडियो को शेयर करो, जिससे मेरी भी हौसला अफजाई हो। मैं अगर आपके लिए आज इतना दिमाग लगा रहा हूं, तो मैं भी चाहता हूं कि उससे मुझे भी थोड़ा सा एक सुकून मिले कि हाँ मेरे लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, शेयर करते हैं, व्यूज़ बढ़वा रहे हैं मेरे, कि हाँ भैया व्यूज़ बढ़ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आप करो, बाकी एक बढ़िया सा जो रिजल्ट है, बढ़िया सी जो मेहनत है, वो मेरा काम है, मैं उसे अच्छे से करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आप इस बात को जहन में रखते हुए कमेंट ज़रूर करोगे, मुझे ज़रूर बताओगे कि भैया आप इन लोकेशन में ज़्यादा ज़ोर शोर से काम करो और हमें पासिंग दिलवाओ। अब यहाँ से आज का अंक गणित जो रह सकता है, कौन से क्रॉसिंग के अंक हैं जो आपको फ़ायदा दिलवा सकते हैं? क्रॉसिंग के अंक जिस प्रकार से चल रहे हैं, आपको भी पता है कि एक ही अंक 3-3 बार खुल रहा है। अभी हमारा अंक नहीं लग रहा तो हमारी क्रॉसिंग पास नहीं हुई, कल परसों हमारी एक बार पास हुई थी, उससे एक दिन जाके देखोगे 2 दिन पास हुई थी, 2 बार पास हुई थी। तो जब हमारा अंक होगा क्रॉसिंग में और वो पास होगा ना, तो हमें पासिंग भी 3-3, 4-4 बार मिलेगी। अंक 54 हमारे पास था, पंजा नहीं है कट गया, हमारे पास आपका 6 का अंक है, सत्ता नहीं है तो कट गया, हमारे पास नैला है, दुग्गी नहीं है तो कट गया, हमारे अंक काम कर रहे हैं। लेकिन जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि भैया यहाँ से चीज़ें मुश्किलात खड़ी कर रही हैं, लेकिन आप यहाँ से आज 4 फरवरी के लिए जो आपको अंक गणित रखना चाहिए, उसमें आपका 9 का अंक अच्छा है, 6 का अंक अच्छा है, आपका 4 का अंक अच्छा है, दुग्गी का अंक अच्छा रह सकता है, 7 का अंक अच्छा है, साथ में आपका 5 का अंक अच्छा है। अगर आपको जमते हो ये अंक, तो इन अंकों का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अगर आपको लगता हो कि भैया जिस प्रकार से 92 खुली है, तो 2, 9, 7, 4 का मैंने खेल रख लिया है, कवर कर लिया है, 6 का अंक काम करके दे रहा है, 5 का अंक कल 3 बार खुला, तो कहीं अगर एक आधा बार खुल गया तो आपको सफलताएं दिला सकता है। तो नज़र मार लेना इस पे बढ़िया से। बाकी आपको कैसे इस्तेमाल करना है ये मैं हमेशा बता चुका हूँ कि आप मुझसे बेहतर जानते हो। अब यहाँ से जो मैं लोकेशन पर आज अपनी मर्जी से काम कर रहा हूँ, उसमें आपका है दिल्ली बाज़ार में आपके लिए
पचपन के ऊपर। पिछली बार याद हो तो ये गाजियाबाद ने 55 खोली थी और मैंने आपको कहा था कि एक पंजा दुग्गी में घूम सकता है। कंपनी ने 52 खोला था तो मैं 52 रखना चाहता हूँ क्योंकि वही ट्रिक आज भी लागू हो सकती है। इसके अलावा 52 का 57 भी हो सकता है, एक नज़र मार लेना। दोनों ही जोड़ियाँ अच्छी हैं। 52 को राशि में काटने का प्रयास किया गया है। अगर गेम पास होता है तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा क्योंकि जो जोड़ियाँ मैं बता रहा हूँ ये ट्रिक पैटर्न के हिसाब से। अगर आपने ये चीज़ नोट करनी है कि ट्रिक कहाँ से लगी कैसे लगी तो आप जाकर मेरा एक वीडियो देखना जिस दिन गाज़ियाबाद में 55 खुली थी, उस दिन मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया था कि भैया 55 के बाद 52 कैसे बन सकता है, तो आप उसे देख लेना। इसके अलावा यहाँ पर पंजे का अंक मजबूत रहेगा, अगर आपको जमे कि लगे कि पंजा खुल सकता है तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये आपका दिल्ली बाज़ार के लिए बढ़िया रह सकता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ से बढ़ते क्रम में फरीदाबाद पे। फरीदाबाद में 64 के बाद 54, अब 54 के बाद क्या कुछ हो सकता है तो देखो 54 के बाद आपका 24 का समीकरण अच्छा है। इसके अलावा समीकरण में 94 काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर 4 का ही अंक बढ़िया रहेगा। जो ट्रिक लगाई गई है वो 2974 से निकाली गई है तो 24 वहीं से आई है, 94 वहीं से आई है। अगर आपको जम रहा हो तो इस्तेमाल कर सकते हैं, बढ़िया जोड़ियाँ हैं, अच्छी लोकेशन में काम करके दे सकती हैं। अब यहाँ से बढ़ते हैं गाज़ियाबाद की तरफ। गाज़ियाबाद में 53 खुली हुई है तो 53 के ऊपर। अब देखो गाज़ियाबाद में मैं आज आपके सामने ज़ोर शोर से मेहनत कर रहा हूँ कि भैया गाज़ियाबाद में मैं आपकी गेम पास कराने के लिए अच्छे जोड़ियाँ रख देता हूँ जो आपको 4 जोड़ियों में सफलताएँ दिला सकती है। तो मुझे लगता है कि 53 के ऊपर अगर आप 93 इस्तेमाल करो, साथ में 63 इस्तेमाल करो तो आपको फ़ायदा मिल सकता है। तिग्गी का ध्यान रखते हुए कि बाहर की तिग्गी दोबारा खुली तो 9 पे और 6 पे लग सकती है। अब जब पंजा दोबारा खुल गया तो क्या करेंगे, तो भैया 57 का समीकरण बढ़िया बनेगा और साथ में 56 का समीकरण बढ़िया बनेगा। ये जोड़ियाँ मेरी निकल कर आई हैं, अंदर का पंजा ध्यान रखकर किया है तो बाहर की तिग्गी ध्यान रखकर किया है। अगर बात होगी अंकों की तो भैया यहाँ पे आपका 5 और 3 दोनों ही बढ़िया अंक हैं। अगर आपको इस्तेमाल करने हो तो कर सकते हो, जोड़ियाँ निकाल कर ये आपको दे सकते हैं। ऐसी ही गैसिंग मैं आपके लिए करूँगा जब आप मुझे बताओगे कि इस लोकेशन में हमारे लिए गैसिंग करो, इस लोकेशन में ज़्यादा अच्छा आपका हिसाब किताब सेट चलता है, तभी मैं आपको ऐसे 2-2, 4-4 जोड़ियाँ, 5 जोड़ियों में गेम बताऊँगा जिससे कि गेम ज़्यादा पास हो सके। क्योंकि मुझे ना मज़ा नहीं आ रहा, अब 2 जोड़ियाँ बताता हूँ गेम पास भी होता है लेकिन लोग भी थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं। जो देख रहा है, जो प्यार दे रहा है उसका मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ कि भाई आपने अभी तक मेरा हाथ नहीं छोड़ा, मेरा साथ नहीं छोड़ा, लेकिन लोग इतने सारे जुड़े फिर छोड़ के चले जाते हैं, कहीं ना कहीं कोई कमी तो मुझ में रही होगी तभी लोग ऐसे चले जाते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि उस कमी को मैं जल्दी से जल्दी पूरा कर सकूं। मैं चाहता हूं कि वो लोग और नए लोग साथ में जुड़े रहें, कुछ अच्छा हम करते रहें, राम जी कृपा करते रहें कि भैया कुछ लोगों का फ़ायदा होता रहे। पूरी कोशिश करता हूं कि फ़ायदा हो सके, पूरा प्रयास करता हूं कि अच्छे से अच्छी गैसिंग आपको दिला सकूं, दिखा सकूं जिससे कि आपका भी मन प्रसन्न हो जाए। राम जी की कृपा होती है तो काम बढ़िया भी होते हैं, आगे भी होते रहेंगे। अब यहां से बात कर लेते हैं गली की। गली में 76 के ऊपर आपको क्या कुछ खास रखना चाहिए, तो मेरा दिल कहता है कि यहाँ पे जोड़ा खुलने के समीकरण बेहतरीन बन रहे हैं 66 और 11 के। अगर आपको समझ में आए तो यहाँ पर जोड़ा खेल के चल लेना। मैंने आपको अपने पसंदीदा जोड़ा बता दिए कि भैया मेरे पसंदीदा जोड़े में 66-11 है। अगर यहाँ पे आप 16-61 भी रख लोगे तो आपको फ़ायदा ही देगी, नुकसान नहीं देगी, क्योंकि जोड़े की गेम होती है, इक्के की राशि छक्का, छक्के की राशि इक्का। तो ये चीज़ें मैंने ध्यान में रखी हैं तभी आपके सामने पेश कर रहा हूँ, तो एक बार नज़र मार लेना इस पर, यह आपके लिए बढ़िया सकती है। अब अपनी आखिरी लोकेशन पे बात कर लें जो कि रहने वाली है दिशावर की। अब दिशावर में हमें क्या कुछ खास देखने को मिल सकता है, कौन सी जोड़ियां हैं जिन पर विश्वास दिखाया जा सकता है, तो इस 92 के ऊपर आपको 95 का समीकरण सटीक बैठेगा, 15 का समीकरण सटीक बैठेगा और साथ में 56 का समीकरण सटीक बैठेगा। पंजा यहाँ पर अगर आप अंक में रखोगे, अंदर बाहर करोगे तो आपको ज़्यादा फायदा मिल सकता है। मैंने 95 पे बाहर रखा है, 15 पे बाहर रखा है, 56 पे अंदर की तरफ रखा है, तो मैंने सारी चीज़ों का ध्यान रखकर ही आपके लिए वीडियो बनाई है, बेहतरीन तरीके से काम किया है, कृपा राम जी की होती है। आप सभी का बढ़िया बढ़िया जो विचार है, बढ़िया बढ़िया आपका जो अट्रैक्शन है वो रहेगी तो ये गेम आपके लिए ज़रूर सफलताएं देकर जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, जो राय मैंने आपसे मांगी है ज़रूर आप उस पर अमल करेंगे और अपने कमेंट बढ़िया बढ़िया कमेंट्स करके कि हाँ भैया सीरियस होके कि भैया हमें इस लोकेशन में गेम बताओ, हमें इस लोकेशन में गेम दिखाओ, ज़्यादा लोकेशन ज़्यादा मत, जिस तरफ होंगे उस तरफ मैं आपके लिए गैसिंग जरूर करूँगा और बेहतरीन तरीके से रोज़ाना उस पर काम करूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ, सभी भाइयों को राम राम, नमस्कार, ढेर सारा प्यार।